हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। साउथ इंडियन लुक किसको पसंद नहीं आता, सभी को पसंद आता है, बहुत ही ग्रेसफुल लगता है। तो अगर आपके घर में किसी लड़की की शादी है या फिर आपकी खुद की शादी है तब आप इसे ज़रूर ट्राई करें। मतलब कि ये जो साउथ इंडियन ब्राइडल लुक है उसे आप ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि बहुत ही एलिगेंट, ग्रेसफुल और बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। साउथ इंडियन लुक के लिए आपको हैवी ज्वेलरी चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मिनिमल ज्वेलरी के साथ भी इस लुक को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम साड़ी में बात करें तो साड़ी आपको कोई भी सिल्क साड़ी हो वो पहननी पड़ेगी, कांजीवरम सिल्क हो या फिर बनारसी सिल्क हो, आप उसके ऊपर भी ये ब्राइडल लुक तैयार कर सकते हैं। और कलर की बात करें तो कलर हम ज़्यादातर देखते हैं कि अगर साउथ इंडियन ब्राइडल का लुक आता है तो वाइट और रेड कॉम्बिनेशन में होता है, साथ ही साथ पर्ल कलर में होता है, ऑफ वाइट कलर, पिंक कलर, इस कलर के टोन में रहते हैं। लेकिन आप अदर कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये हल्दी कलर हो गया, उसके साथ ब्लू कलर, ग्रीन कलर, मेहंदी कलर, तो बहुत सारे ऐसे कलर्स हैं जिसे आप अपने सिल्क साड़ी में चूज़ कर सकते हैं। तो आपके लोकल मार्केट में या फिर कोई भी मार्केट में जहाँ कहीं भी ओरिजिनल सिल्क मिलता है वहीं से आप इसे बाय करिए। उसके साथ आती है इसकी बॉर्डर, आपको नीचे वाली जो बॉर्डर होती है वो बड़ी चाहिए या फिर छोटी रखनी है ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये जो कॉम्बिनेशन है ग्रीन और वाइट, थोड़ा सा यूनिक कॉम्बिनेशन लग रहा है, इसे भी आप दिमाग में रख सकते हैं। अगर हम ब्लाउज़ेस की बात करें तो इन साड़ियों के ऊपर ज़्यादातर जो बड़े स्लीव्स वाले ब्लाउज़ेस होते हैं वो अच्छे दिखेंगे, उन पर किया गया जो वर्क होता है। ज़्यादातर आपको इस साड़ी के ऊपर ब्लाउज़ तैयार करना है तो उस पर मगम वर्क ज़्यादा फेमस है, आप अपने स्टाइल से कोई भी वर्क करवा सकते हैं अगर आप इसे कस्टमाइज बनाना चाहते हैं तो, या फिर आप रेडीमेड ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी आपको मार्केट में ईजीली मिल जाते हैं। अब उसके बाद आपको कॉन्ट्रास्ट में कौन सा कलर रखना है ब्लाउज़ और साड़ी में, तो कोई भी आप रख सकते हैं, आपको जो भी कलर पसंद आता है आप कॉन्ट्रास्ट में रख सकते हैं, जो भी साड़ी के साथ कलर आता है उसे आप एज अ ब्लाउज़ कलर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट कलर के कॉम्बिनेशन आइडियाज़ है तो वो आप पिक कर सकते हैं, आइडियाज़ इस वीडियो से ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ज्वेलरी की, तो ज्वेलरी में हमें पहनना पड़ता है सबसे पहले तो मांग टीका, फिर नेकलेस पहनना पड़ता है, बैंगल्स होते हैं, कमरबंद होता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि आप मिनिमल ज्वेलरी के साथ भी इस लुक को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आपको ज्वेलरी आपके पास है और आपको पहनना है तो आप मांग टीका भी ज़रूर ट्राई करिए। मांग टीका में भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं आजकल, काफ़ी अच्छे लगते हैं। उसके बाद इयररिंग्स हो गए, इयररिंग्स आपको थोड़े से बड़े वाले पहनने चाहिए, इस टाइप के झुमके भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। नेकलेसेस में या फिर अदर ज्वेलरी में जो मैट फिनिश टेम्पल ज्वेलरी रहती है वो ज़्यादातर फेमस है वहाँ पर, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। जो मीनाकारी वर्क किया जाता है, टेम्पल जो वर्क होता है वो भी काफ़ी फेमस है। उसके बाद आप बैंगल्स में भी मैट फिनिश वाले बैंगल्स ट्राई करिए, या फिर अगर आपको कांच वाले या फिर मेटल वाले यूज़ करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको साउथ इंडियन टच चाहिए तो आपको मैट फिनिश वाले ज्वेलरी कैरी करनी पड़ेगी। अब हेयर स्टाइल की बात करते हैं तो हेयर स्टाइल में आपको बन ही रखना चाहिए, क्योंकि आपने मोस्टली देखा होगा कि जो इंडियन अपनी साउथ इंडियन ब्राइड्स होती है वो ज़्यादातर बन ही पहना करती है अपने ब्राइडल लुक में, और साथ ही साथ ब्रेड्स भी होती है, तो दोनों में से आप चूज़ कर सकते हैं। बन में भी काफ़ी हेयर स्टाइल्स होते हैं, अलग अलग आप स्टाइल कर सकते हैं। उसके साथ जो फ्लावर वाली एक्सेसरीज़ होती है हमारे हेयर्स के लिए वो तो मार्केट में बहुत सारी वैरायटी है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। हेवी जुड़ों के साथ हेवी हेयर एक्सेसरीज़ होती है तो उस पर भी आप ध्यान दीजिए, और मेकअप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपकी साड़ी लाइट कलर की है तो थोड़ा सा डार्क मेकअप रखिए, डार्क साड़ी है तो थोड़ा सा लाइट मेकअप रखिए। तो ये रही कुछ ब्राइड टू बी के लिए खास टिप्स। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।